नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी इस जनवरी के मंथ में कड़कड़ाते ठंड में आप इंडोर के कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग हम इजली इस मंथ में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी हम अगर इस टाइम पे कटिंग लगाते हैं तो इजली लग भी जाती है और सर्वाइव भी कर जाते हैं। टाइम लगता है लेकिन कटिंग आपके आसानी से लग जाते हैं, तो इनकी कटिंग ज़रूर लगाएँ। और अभी इनकी कटिंग लगाएंगे ना तो इजली हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इंडोर प्लांट जिनकी कटिंग आराम से लग जाती है और उनकी प्रोग्रेशन करना बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर न्यू मेरा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स मैं अगर बात करूँ इंडोर प्लांट्स के बारे में तो बहुत से प्लांट आते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये होती है इंडोर प्लांट्स की कि उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा ये ड्रेसिना। ड्रेसिना की बहुत ही अच्छी वेराइटी है। इनकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ा सा थ्री कलर आपको देखने को मिलेगा, डार्क पर्पल पिंक भी है और एक ये वाली है, ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। तो दो मेरे पास है, एक मैं बता दूँ सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ड्रेसिना की वैरायटी है बट कलर और पत्तियाँ जो है थोड़ा डिफरेंस ही है। तो इस वाले ड्रेसिना की बात करूँ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके से, मतलब घने घने से। अभी विंटर में ना इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही, देख सकती हैं कोई भी पत्तियाँ ड्राई नहीं है और इसमें मतलब कुछ पिंक कलर का इस तरीके से वेरिकेशन होता है, देखने में बहुत ही प्यार लगते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारी पत्तियां मतलब पिंक हो जाती हैं। तो इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, मैंने कुछ कटिंग इनकी तैयार करी हुई है, मैंने उसकी कटिंग कई वीडियो में शेयर करके रखा हुआ है। और आप ये जो साइड में छोटा सा प्लांट देख रहे हो ये वाला, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है और अभी देख सकते हो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है। ग्रोथ होने का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि आप अभी इसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। और एक से ढेरों सारे प्लांट आप दिसंबर के मंथ में बना सकते हैं। दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा होता है इंडोर प्लांट्स की कटिंग तैयार करने का। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स अरोकेरिया यानी कि क्रिसमस ट्री। अगर क्रिसमस के मौके पर अगर इसकी कटिंग हम लगाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा और शुभ भी माना जाता है। तो इनकी कटिंग फिलहाल दिसंबर में लग जाती है क्योंकि ग्रोथ भी बहुत अच्छी से होती रहती है। तो इनकी कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से स्टेम लेनी है आपको और इनको सैंड सॉइल में लगा देना है, फंजीसाइड या एलोवेरा जेल लगा के आराम से लग जाएगा। और फ्रेंड्स विंटर सीजन जो होता है एलोकेरिया का ग्रो होने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है, इनके लिए बेस्ट होता है विंटर सीजन, तो इनकी कटिंग आप ज़रूर लगाएं। मेरा ये वाला थोड़ा सा अनहेल्दी है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कट करके इनकी कटिंग लगा सकती हूँ। इसकी वीडियो फ्रेंड्स मैं स्पेशल बनाऊँगी जब इसकी कटिंग लगाऊँगी, लेकिन अगर दिसंबर में कटिंग लगाने की मैं बात करूँ तो ये बेस्ट है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं एरोकेरिया की। दूसरा जो हमारा है क्रोटोन है, क्रोटोन की तो ढेरों सारी वेराइटीज़ आती हैं, मैं दिखाऊँगी आगे कौन कौन सी मेरे पास क्रोटोन की है। तो इनकी कटिंग तो मैंने दिखाई है, मैंने एक लास्ट वीडियो शेयर करी थी इंडोर प्लांट की कटिंग, तो ये मैंने लगाई थी और फाइनली लग भी गई है वो कटिंग। तो किसी दिन मैं पूरा अपडेट दिखाऊंगी जो जो मेरी कटिंग लगी हुई है, तो आप क्रोटोन की कटिंग भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। जो कलरफुल इनकी पत्तियाँ होती हैं ना सबसे अच्छा यही लगता है कि ऐसे बंचेस में खिलते हैं, ढेरों घने रहते हैं और डॉट्स रहते हैं। ये वाले की बात करूँगा फ्रेंड्स तो इसको मैंने कटिंग से लगाया है और दो प्लांट मैंने तैयार किए थे और देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है और बहुत ही हेल्दी कंडीशन में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। अभी मतलब ये एक फीट का तो हो ही गया है और इसको घना बनाने के लिए मैं इनको कट जरूर करूँगी बट अभी नहीं करूँगी, जब इनका टाइम आएगा कट करने का उस टाइम पर मैं करूँगी ताकि प्लांट की कटिंग भी आसानी से लग जाए। और अगर लगाने की भी बात करूँ तो फ्रेंड्स लगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो मैं अभी नहीं कट करूँगी, जब मैं इनकी थोड़ी सी कटिंग या पिंचिंग कुछ करूँगी जरूर शेयर करूँगी। ये भी क्रोटोन की ही वेराइटी, इनकी पत्तियाँ देख सकते हैं तीन कलर निकल के आ रहे हैं, ग्रीन पिंक और थोड़ा सा येलो सेल में। फ्रेंड्स ये वाला पता नहीं कौन सा क्या प्लांट है, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा मॉन्स्टेरा टाइप का लग रहा है और पत्तियां छोटी हैं लेकिन कटिंग भी इस तरीके से हो जाती है जो मॉन्स्टेरा के प्लांट होते हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मतलब इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी बड़ी पत्तियाँ आती हैं। और जो नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना की वेराइटी है, लेकिन इनकी जो पत्तियाँ होती इस तरीके से वेरिगेशन रहती है, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैंने की कटिंग भी लगाई थी और यहाँ मतलब मैंने बुशी करने के लिए यहाँ से कट लगाया था, देख सकते हैं इस तरीके से इसी जगह जगह से शूट्स निकल रही हैं। इस शूट निकलने से क्या होता है, प्लांट हमारा जो घना होता जाता है
और देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो मैं देख सकती हूँ, मैंने ढेर सारे प्लांट इनसे बना के रखे हुए हैं घना बनाने के लिए। टाइम टाइम से कटाई छटाई करते रहें, और कटाई छटाई फ्रेंड्स करेंगे तो जाहिर सी बात है घना होता जाएगा, और उसे हम कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग अभी विंटर सीजन में लगाते हैं तो आसानी से लग जाती है। और फ्रेंड्स बहुत मतलब इनको अलग, अगर इस सारे प्लांट के साथ इनको रख दो तो एक अलग सा ही मतलब लुक नज़र में आता है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग कहीं से भी मिलती है तो ज़रूर लगाएं। उधर सारे हमारे क्रोटोन वाले हैं और इधर सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और फ्रेंड्स ये है डेफेनविकिया, इसकी भी कटिंग हम अभी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी वैरायटी का हो लगा सकते हैं। और देख सकते हैं विंटर का असर बिल्कुल दिख रहा है कि जो पत्तियां ओल्ड पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से सूख जाती हैं, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि प्लांट हेल्दी रहे और आगे जो ग्रोथ हो रही और अच्छे से हो सके। देख सकते हैं पत्तियाँ बहुत ही अच्छे हैं। कुछ सारे प्लांट फ्रेंड डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, बहुत ही कम प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में इंडोर वाले जाते हैं। तो टिफिन वे क्या है वो डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। अगर इनकी कटिंग तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, छोटी सी कोई भी कटिंग लेके इनको सैंड सॉइल में अगर लगाते हैं तो इजली वो प्रोपोगेट हो जाता है, आसानी से लग भी जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, खूबसूरत सा दिखने वाला एरेंथेमम प्लांट है, वो भी पर्पल कलर का होता है। अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या इस पर डोरमेंसी का असर है और पत्तियां जो ओल्ड थी वो निकल चुकी हैं, गिर चुकी हैं, लेकिन न्यू पत्तियां भी आ रही हैं। देख सकते हैं इस तरीके से पूरा मतलब प्लांट नहीं ख़राब होता है, बस जो ओल्ड लीव्स होती वही ड्रॉप होती है, बाकी न्यू तो ग्रोथ होती ही रहती है। तो ग्रोथ होने का मतलब ये है कि इनकी हम कटिंग लगा सकते हैं दिसंबर के मंथ में। तो आप ज़रूर की कोई छोटी सी छोटी कटिंग मिल जाती है इनकी ना तो लगा सकते हैं, वैसे कटिंग इनकी बहुत ही ईजिली लग जाती है। इनकी दो वैरायटी आती है, एक ये वाली ग्रीन वाली होती है, तो कोई भी मिले तो उनको जरूर लगाएं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट, हैंगिंग प्लांट बोलेंगे उनको, जो होते हैं स्पाइडर प्लांट्स होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तीन वैरायटी के हैं, देख सकते हैं तीनों बहुत ही अच्छे से, अभी मैंने इनको जल्दी ही अपने गार्डन में ऐड किया है और देख सकते हैं ग्रोथ अच्छे से हो रही थी। इनको आराम से आप प्रोपोगेट कर सकती हैं, आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है, साइड साइड से प्लांट निकलते रहते हैं, वहाँ से इनसे हम कोई भी प्लांट लेके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हो। इसमें तो छोटे छोटे रनर्स बनते हैं और इसमें तो नहीं बनते, इसको हमें जड़ से ही लगाना होता है, इसमें भी रनर्स बनते हैं तो इसकी भी कटिंग लेके हम लगा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम गार्डन में ऐड किया, अगर आपको कहीं मिलती है फ्रेंड्स इसकी कटिंग तो आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, हैंग करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो देख सकते हैं मतलब तीनों तो मतलब एक ही चीज़ें इसमें, मतलब वेरिएशन जो है ग्रीन और थोड़ा सा वाइटनेस इसमें है, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। तो आपको अगर कोई भी वैरायटी किस्म का मिल जाता है तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही खूब प्यारा खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे हमारे प्लांट्स जो कि इंडोर प्लांट्स थे, इनकी कटिंग अभी हम दिसंबर मंथ में लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है क्योंकि अभी देख सकते हैं जितने भी इंडोर प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इनका जो ये टाइम है ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, तो दिसंबर मंथ में कर सकते हैं, इसलिए इनकी कटिंग लग जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।